थक गए गाइस हम लोग, इतनी सारी लकड़ियां रखते रखते यार। आप देख सकते हैं इस साइड में कितनी सारी धुंध है। सो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां जो इकट्ठा करके इसे घर लेके चलते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल द गियरलेस हरियाणा। गाइज आप सबका स्वागत है मेरी एक और नए व्लॉग के अंदर। तो गाइज आज संडे का दिन है, सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं, क्योंकि आज संडे के दिन आपको पता ही है हमारे घर में बहुत ज्यादा काम वगैरह रहता है, क्योंकि नेकी दिन मिलता है हमें काम करने के लिए। तो देखिये सर्दी आ चुकी है और हम लोग ना बाहर से लकड़ियां काट के लेके आए हैं। हमारे यहाँ पर एक जंगल टाइप का भी है छोटा सा, तो वहां से हम लोग क्या जब भी सर्दियां होती है ना तो चूल्हे वगैरह पे रोटी बनाने के लिए हम लोग लकड़ियां काट के लेके आते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गया था और सुबह 5 बजे उठकर ना ये लकड़ियां काट के लेके आ गए हम लोग गाइस। तो ये लकड़ियां यानी कि हम लोग ऊपर छत पे चढ़ा देंगे, क्योंकि छत पे चढ़ाने के बाद ना फिर इन लकड़ियों को छोटे छोटे हिस्से में फंस रही है गाइस। ये देखो स्कूटी में फंस गई सारी की सारी। हम लोग ना इसको ऊपर चढ़ा देंगे, इसको ऊपर चढ़ाएंगे छत के ऊपर और वहां पे छोटे छोटे टुकड़े करके रख देंगे। फिर ना चूल्हे में जब बाजरे की रोटी या बाकी काम करेंगे ना तब करेंगे। मम्मी भी मेरे साथ गई थी सुबह ही उठकर, हम लोग बहुत सारी लकड़ियां वगैरह ले आए हैं आज, और इस लकड़ियों को ना अब ऊपर चढ़ा देंगे हम लोग छोटा छोटा करके, और ये सर्दियों में ना हमारे बहुत काम आने वाली है। बस ये देखो बहुत ज्यादा लकड़ियां हैं, ये छोटी छोटी आपको नजर आ रही है, पर ना ये पूरा पेड़ वगैरह काट रखा था किसी ने, तो हम लोग ना ये सारी घसीट घसीट कर लिया है यहाँ तक। बहुत मेहनत लग गई आज हमारी, पूरे आंगन में ये फैली हुई है। इसको ना अभी हम लोग इन सभी लकड़ियों को उठाकर वहां छत के ऊपर ले जाकर रख देंगे और ये हमारे बहुत काम आने वाली है। हम लोग ना ऊपर जाके रखाते हैं वहां छत के ऊपर। थक गए गाइस हम लोग, इतनी सारी लकड़ियां रखते रखते यहाँ पे, फिर भी काम तो करना ही है। सारी लकड़ियां भी हमें ऊपर रख के आनी है, क्योंकि इतने दूर से जंगल से इसे घसीट कर लाने में बहुत मेहनत लग गई। कोई रेड़ा ट्रैक्टर वगैरह नहीं मिला हमें, तो ये लकड़ियां हम लोग मम्मी और मैं हाथों से ही लेके आए इतनी दूर। तो अब ये थक गए हम लोग ऊपर चढ़ाते चढ़ाते से, चल ये काम तो करना ही है। सो गाइस हम लोग छत पर आ चुके हैं और ये देखो हमने ना सारी लकड़ियां को यहाँ पर लगा दिया पीछे छत के ऊपर। ये देखो सारी लकड़ियों को ना यहाँ पर लगा दिया, जैसे जैसे सूखती रहेंगी इनकी टहनियों को तोड़ तोड़ कर हम लोग यूज करते रहेंगे छत के ऊपर से ही। और यहाँ पर देखिए हमारी जो पालक थी ना वो भी अच्छी हो गई, अब हरियाली दिखने लग गई है। तो पानी की कमी थी, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमने पानी लगाई दिया था, तो इस वजह से पालक भी सही। जी देखो लकड़ियां तो हम रखा है, पर ना कितना सारा कचरा यहाँ पे फैल चुका है पत्तों का, वो झाड़ू पड़ी है, झाड़ू लेते हैं और ये सारा कचरा वगैरह साफ कर देते हैं। जब तक मम्मी दुकान की सफाई कर रही है हम लोग ये कचरा यहाँ से उठा देते हैं। कचरा तो पैड़ियों में भी हो गया, तो हम लोग ना पैड़ियों से ही शुरुआत कर देते हैं और जब पैड़ियों से ही लेके चलते हैं कचरे को। तो गाइज अभी हम लोग क्या कहते हैं सुबह सुबह आटा ले आते हैं। कल हम गेहूं डल के आए थे पिसने के लिए, क्योंकि घर में आटा खत्म होने वाला है, तो हम लोग जाकर स्कूटी से ना फटाफट आटा उठा लाते हैं, वरना फिर लेट हो जाएंगे हम लोग ऑफिस जाने के लिए। तो गाइज चलिए फटाफट जाकर आटा उठा के लेके आते हैं, आटा पिसने के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है। तो गाइज हम आटा लेके आ जाते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं, आटा हमने ले लिया है, सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये खेत है यहाँ पे जा रही है। तो गाइज ये हमारा रास्ता है, बस हम लोग जा रहे हैं अभी सामने की तरफ से, कार आ रही है। तो देखिए खेतों के अंदर यानी कि धुंध नजर आ रही है, अपने साइड में तो धुंध नहीं है। आप देख सकते हैं इस साइड में कितनी सारी धुंध है, तो ये सिर्फ खेतों के अंदर धुंध नजर आ रही है और अपने रास्ते के अंदर कोई भी धुंध वगैरह नहीं, अपना रास्ता साफ है। पर जो धुंध वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा यानी कि सर्दियों के अंदर अब पड़ने लगी है गाइस। तो गाइस ये देखिए कितना मस्त माहौल है, पीछे सूरज नजर आ रहा है कितना अच्छा, और हम लोग निकल रहे हैं, बस अभी हम लोग चलते हैं। अब हम ऑफिस जाने की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन का भी टाइम होने वाला है, फटाफट ऑफिस पहुंचते हैं।
गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आपको चैनल पे नीचे रेड कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए, ये बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा, इसका मतलब कि सब्सक्राइब हो चुका है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली जो हमारी वीडियोस है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, हमारा नोटिफिकेशन मिल पहुंच जाए। तो गाइस मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।